वेलकम टू एवरीवन। आज हम स्पार्क प्लग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका सब इंटरनल पार्ट्स देख लेते हैं। सो इसमें ये हमारा एक सेंटर इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड, ये एकदम स्पार्क प्लग के बीच में है। और हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड। और ये सेंटर इलेक्ट्रोड और ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड बीच हमारा इंसुलेटर या फिर रेजिस्टर लगा होता है, जिसके वजह से ये गैप मेंटेन होता है। ये देखिए, ये वाला गैप होता है, इसके वजह से हमारा स्पार्क होता है ये सेंटर इलेक्ट्रोड और ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच। इसके बाद ये जो थ्रेड कटिंग हुए हैं, ये वाला हमारा इंजन में कनेक्ट होने के लिए है। ये एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग है और इंजन के सिलेंडर में इसका इंटरनल थ्रेड कटिंग होगा। तो फिर इसका एक्सटर्नल और उसका इंटरनल से हम स्पार्क प्लग को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया स्पार्क प्लग गैप। और इसके ये हमारा थ्रेड है जो कि हमारा इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा। और ये फिर आता है हमारा ये हेक्सागोनल नट, जिसके वजह से हम इसको अच्छी तरह से टाइट करके फिट कर सकते हैं हमारे इंजन सिलेंडर में। और ये हो गया हमारा इंसुलेटर पार्ट और ये हो गया हमारा टर्मिनल, जो कि हमारे इग्निशन कॉइल से आया होगा और यहाँ से कनेक्ट होगा। ये जो है, जो डस्ट वस्ट वगैरह वगैरह उसको अंदर नहीं जाने देता है, इसके वजह से हमारा जो इग्निशन कॉइल आएगा वो उसका पार्ट यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो जब करंट पास होगा तो भी ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन के वजह से यहाँ पर स्पार्क होगा। इसके वजह से हमारा इंटरनल फ्यूल कंडक्शन हो पाएगा। बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।